इसलिए आपत्ति तो मुझे आपकी खाप पंचायत में चल रही है, रूबिका लियाकत का हुंकार चल रहा है। बीकेयू प्रवक्ता की निशानी पर आई रूबिका लियाकत, मुंह पर फेंका माइक और छोड़ा शो। द देशभक्त के आकाश बैनर्जी ने कसा तंज, मचा हंगामा। रूबिका लियाकत सुनो, ठीक है धर्मेश जी, आपकी बात सुनिए, बतेरे देखे मैंने, सुनिए आप जैसे बदतमीजी। दरअसल कृषि आंदोलन को लेकर एबीपी न्यूज चैनल के शो हुंकार में किसान नेता धर्मेंद्र मलिक ने डिबेट के दौरान महिलाओं को लेकर टिप्पणी की, तो एंकर रूबिका लियाकत ने उन्हें टोका, जिसके बाद किसान नेता डिबेट छोड़कर चले गए। उनके जाने को लेकर एंकर ने कहा कि अगर वो डिबेट छोड़कर ना जाते तो मैं खुद उनको इस शो से बाहर कर देती। डिबेट के दौरान एंकर कहती हैं कि तीनों कानून वापस ले लिए गए हैं, फिर भी आप लोग किसान आंदोलन जारी रखे हुए हैं। इस सवाल पर किसान नेता ने कहा, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मीडिया का धन्यवाद है, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमें सरकार से बातचीत करनी है। कृषि कानून ना लाया गया होता तो इतनी किसानों की मृत्यु ना होती। सरकार का केवल एक तरफा फैसला है, एमएसपी पर भी बात नहीं बनी है। क्या आप सरकार से बातचीत करना चाहते हैं? इसके जवाब में किसान नेता ने कहा कि जिस तरह से 11 बार कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हमसे बात की है, उसी तरह से एक बार और बात कर ले। किसान नेता इस बात पर डिबेट में मौजूद राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी ने कहा कि जब कृषि मंत्री आपसे बात करते थे तो आपके द्वारा कहा जाता था कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, अब उनसे बातचीत करने की बात क्यों कर रहे हैं। इस दौरान शिवम त्यागी और किसान नेता के बीच तीखी बहस होने लगी, जिसके बाद एंकर ने उनकी बात पर आपत्ति लेते हुए कहा कि आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल यहाँ नहीं कर सकते हैं। इस पर किसान नेता ने कहा कि मुझे भी आपकी बहुत सारी बातों से आपत्ति है। एंकर ने कहा कि आपके यहाँ पर खाप पंचायत नहीं चल रही है जो किसी भी तरह की बातें कहने लगेंगे। किसान नेता ने एंकर को बुरा भला कहते हुए माइक निकाल कर फेंक दिया। इसके बाद एंकर ने कहा कि बदतमीजी बिल्कुल भी नहीं चलेगी, आप अपनी हैसियत में रहिए। सोशल मीडिया पर वायरल हुंकार के इस क्लिप पर लोग तरह तरह के रिएक्शंस देते नजर आ रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि जैसे गोदी मीडिया की चापलूसी आम हो गई, ठीक वैसे ही बेइज्जती भी आम हो गई। एक अन्य ट्विटर यूजर ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि रूबिका लियाकत बेइज्जत होना पेशा हो गया है क्या, जब देखो बेइज्जती हो रही है, हर जगह बेइज्जत हो रही है। एक अन्य ट्विटर यूजर ने वायरल वीडियो पर रिएक्शन दिया और लिखा कि बेइज्जत और बेगैरत होना मंजूर है इन गोदी मीडिया के पत्तलकारों को, जमीर न सही, पैसा तो मिल रहा है न जमकर। एक अन्य ट्विटर यूजर ने रूबिका लियाकत की हुंकार पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि जब हुंकार भाईजान आपको खुद को ही भरनी है तो काहे किसी और को बुलाते हो। यूट्यूबर द देशभक्त के आकाश बैनर्जी ने भी रूबिका लियाकत के शो हुंकार के वायरल क्लिप पर चुटकी लेते हुए लिखा कि अभी तक एंकर सोचते थे कि सिर्फ वही दसों की बेइज्जती कर रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि पिछले दिनों नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि उनकी सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले रही है। सरकार द्वारा तीनों कृषि कानूनों के वापसी के बाद भी किसान आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर जरूरी खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।